नमस्कार, मैं तथागत, प्रिंसिपल ऑफ तथागत पब्लिक स्कूल। फिलहाल हम लोग एक वर्स्ट सिचुएशन से गुजर रहे हैं और इस वर्स्ट सिचुएशन से निपटने के लिए पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं। आज मैं आपके सामने कुछ ऐसे एक्सरसाइज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ कि इस मुश्किल घड़ी में राहत दे सकते हैं। पिछले 10 से 12 सालों से ये एक्सरसाइज हम लोग हर दिन बच्चों से स्कूल में करवाते हैं और इस एक्सरसाइज से कुछ अच्छे रिजल्ट हम लोगों ने पाए हैं। आशा करते हैं कि ये रिजल्ट आपको भी राहत देंगे। आइए हम लोग इस एक्सरसाइजेस को शुरू करते हैं। एक्सरसाइज करने के लिए कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आप नीचे बैठ सकते हैं, पैर को ऐसे पालथी करके भी बैठ सकते हैं। अगर ऐसे नहीं जमता तो टेबल पे बैठ सकते हैं, कुर्सी पे बैठ सकते हैं या बेड पे बैठ सकते हैं। आप जहां आपको कंफर्टेबल होगा उस पोजीशन में बैठ के या खड़े खड़े भी आप इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं। तो पहला एक्सरसाइज है हम लोगों का ब्रीद इन ब्रीद आउट। इसमें हम लोगों का क्या करना है, नोज से ब्रीद इन करना है और नोज से ही आउट करने का है। इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखिए और बाद में करिएगा। स्टार्ट करते हैं हम लोग। लोग का दूसरा एक्सरसाइज है ब्रीद इन ब्रीद आउट ही है, लेकिन अभी हम लोगों ने नोज से करने का है और माउथ से आउट करने का है। ध्यान से देख लीजिए। ब्रीथ को कंप्लीटली अंदर से लेना है और पूरा कंप्लीटली करना है। इसको बहुत स्लोली स्लोली लेना है और स्लोली स्लोली ही छोड़ना है। फिर से एक बार देख लीजिएगा। एक दोनों एक्सरसाइज कम से कम 20-20 बार कर लिए। हमारा तीसरा एक्सरसाइज है कि नोज के वन साइड को क्लोज करेंगे। जिस नोज को हम लोग क्लोज करेंगे उसे ब्रीद इन लेंगे और उसी को ब्रीद आउट करेंगे, दूसरे से नहीं करेंगे। ध्यान से देख लीजिएगा। पहला बंद कर देंगे हम लोग। फिर दूसरा करेंगे। एक्सरसाइज को भी आपको स्लोली स्लोली इनसाइड ब्रीथ लेना है और स्लोली स्लोली ही छोड़ना है। किसी भी प्रकार की घाई गड़बड़ मत करिए। पूरा एक्सरसाइज 3 से 4 मिनट में आपका खत्म हो सकता है। नेक्स्ट एक्सरसाइज को थोड़ा सा ध्यान से सुन लीजिए। इसको हम लोग बोलते हैं ब्रीदिंग होल्ड इट एंड रिलीज। तो हम लोग ब्रीथ को लेंगे, कुछ समय के लिए उसको होल्ड करके रखेंगे, पकड़ के रखेंगे। जब तक हमारी क्षमता उसको पकड़ने की है तब तक हम लोग उसको पकड़ के रखेंगे और जैसे ही हम लोग को लगता है कि हम लोग अभी उसको नहीं पकड़ सकते हैं आप उसको रिलीज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज को ध्यान में रखिए, ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको जहां तकलीफ है वहां आपको रिलीज करना पड़ेगा। शुरुआत के दौर में ये एक्सरसाइज करते वक्त आपको कुछ समय के लिए तकलीफ हो सकती है, लेकिन जब से ये हर दिन करते जाएंगे आप बहुत ज़्यादा टाइम तक के अपना जो ब्रीथ है उस ब्रीथ को होल्ड करके रख पाएंगे। इससे क्या होगा कि हमारा चेस्ट क्लियर है या नहीं है ये हम लोग आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ये पूरे एक्सरसाइज जो है वो हमारे हार्ट से चेस्ट से रिलेटेड है और रिलेटेड होने के साथ साथ में ये एक्सरसाइज करने से हम लोग में कोई इंटरनल प्रॉब्लम्स है या ऐसा कुछ है तो उसके सिग्नल्स हम लोगों को यहाँ से समझ में आ सकते हैं। तो ध्यान से देख लीजिए कैसे करना है इसको। पहले ब्रीद इन करेंगे, फिर उसको पकड़ के रखेंगे, माने छोड़ेंगे नहीं, और जैसे ही उस टाइम के बाद में हमारी क्षमता कम हो जाएगी हम लोग उसको ऑटोमेटिकली रिलीज कर देंगे। ध्यान से देखिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज हमारा पंपिंग। ये आप सबको मालूम है, योगा में इसको बहुत ज्यादा करते हैं। तो बस पंपिंग की तरह हम लोगों को करना है अपने हार्ट के पंपिंग के लिए। देखिए
इसको आप कितना टाइम कर सकते हैं, आपका पंपिंग कैसे होगा, वो सब इस चीज में समझ में आ जाएगा। एक नॉर्मल एक्सरसाइज की तरह हम लोग हमेशा इसको देखते हैं। हम लोग जितना भी एक्सरसाइज आपसे करवा रहे हैं वो किसी का देख के या करके नहीं हो रहा है, तो पिछले कई दिनों से कई सालों से ये एक्सरसाइज हम लोग स्कूल में करवा रहे हैं। ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें क्या करना है, हमको ब्रीथ लेना है और जैसे आज हमारा हैप्पी बर्थडे है वैसे हम लोग जैसे कैंडल को फूंकते हैं उसके तरह से बलून के तरह ये हमारा पूरी श्वास को बाहर निकालना है। इसको ध्यान से देखिए, ये नेक्स्ट एक्सरसाइज है, इसमें सिर्फ आपको फूंकना है। साउंड है हम लोगों को, उसको हम लोग लंबा खींचते हैं, वो साउंड है सिर्फ हम। अब हम लोग आईज को क्लोज करेंगे और आईज में क्लोज करने के बाद में थोड़ी देर के लिए 5 मिनट हम लोग मेडिटेट करेंगे अपने आप को। पूरे हमारे आजू बाजू के जो पूरे सीक्वेंस है, जो भी हमारे आजू बाजू में चल रहा है, उससे हम लोग दूर होने की कोशिश करेंगे। एक 5 मिनट से लेकर जितना टाइम आप बैठ सकते हो, जितना टाइम उसको कर सकते हैं, ऐसा करने की कोशिश करेंगे और फिर हम लोग साउंड करेंगे। कैसा करना है उसको ध्यान से देख लीजिए। साउंड करते हम लोगों को थोड़ा सा हाथ हमारे ऐसे रखना पड़ेगा। अभी साउंड को ध्यान से सुनिए, हम। ये बस एक्सरसाइज यहाँ खत्म होती है। इसको आप अगर रेगुलर करेंगे तो निश्चित ये लाभदायक होगी और आपको इस वर्स्ट सिचुएशन में एक अच्छा रिजल्ट देगी, ऐसी मैं आशा करके इस एक्सरसाइज को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद।